नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं किस तरह के सुझाव आपको लेने चाहिए। और आज हम बात करेंगे कानों की। आज के समय में हम मोबाइल फोन के साथ में ईयरफोन और साथ ही हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, कितना हानिकारक सिद्ध हो सकता है हमारे कानों के लिए ये दोनों चीजें, इसको लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। आजकल ईयरफोन और हेडफोन हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन गए हैं। बाहरी शोर सुनाई ना दे, इसीलिए लोग हेडफोन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ज्यादातर लोग मल्टीमीडिया कंटेंट देखने और कई लोग तो ट्रैवलिंग के दौरान म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं कोविड महामारी के दौरान घर से ऑनलाइन क्लासेस और ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने वाले लोग और बच्चों में हेडफोन्स और ईयरफोन्स का यूज काफी बढ़ गया है। देखा गया है कि बहुत से लोग ज्यादातर समय अपने ईयरफोन हेडफोन को ऑन रखते हैं, चाहे वो जूम मीटिंग के लिए हो या फिर गेम खेलने के लिए। कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अधिक समय तक इनका इस्तेमाल करने से कानों पर बुरा असर पड़ता है। हेडफोन ईयरफोन से आने वाली आवाज आपके ईयर ड्रम से करीब से टकराती है। सबसे गंभीर स्थिति में ईयर ड्रम को स्थायी नुकसान हो सकता है, इसीलिए अगर आपके ईयरफोन या हेडफोन ज्यादातर समय आपके ईयर लोब में प्लग करके बिताते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है। आइए जानते हैं आपके कानों के लिए ईयरफोन और हेडफोन कब और कितने खतरनाक हैं। कान में दर्द, जब आप हेडफोन या ईयरफोन का उपयोग कर रहे हों या लंबे समय से म्यूजिक सुन रहे हों, तभी आपके कानों के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजती है और कानों में दर्द होने लगता है। ऐसा अक्सर आपके तेज आवाज में म्यूजिक सुनने के आदत के कारण होता है। दिमाग पर बुरा असर, आप शायद नहीं जानते, लेकिन हेडफोन इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स पैदा करता है, इसीलिए मीटिंग म्यूजिक या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ज्यादा देर तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। ईयरफोन के साथ ही यही स्थिति बनती है, इसीलिए ईयरफोन हो या हेडफोन इस्तेमाल करते समय अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। कान में मैल जमा होना, क्या आपको काम करते वक्त या बात करते वक्त ईयरफोन का इस्तेमाल करने की आदत है? ऐसा है तो सावधान हो जाएं। घंटों तक ईयरफोन का उपयोग करने से कान में मैल जमा हो सकता है। इस वजह से कई बार कान में संक्रमण, सुनने की समस्या या टीटनेस की शिकायत हो जाती है। सुनाई न देना या बहरापन, आप शायद नहीं जानते, लेकिन ईयरफोन और हेडफोन को बहुत ज्यादा देर तक प्लग इन रहने देने से आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईयरफोन के जरिए सुनने की आदत आपको बहरा बना देती है। कंपन के कारण हेयर सेल्स अपनी संवेदनशीलता खो देता है, जिससे व्यक्ति को कम या फिर बिल्कुल सुनाई नहीं देता। हेडफोन शेयर करने से परेशानी, कुछ मामलों में लोग अपने हेडफोन या अन्य लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऐसे में ईयरफोन स्पंज के जरिए बैक्टीरिया और रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाते हैं, जिससे कानों में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर कोई दोस्त स्पंज के साथ आपके ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल कर रहा है तो आपको दो बार जरूर सोचना चाहिए। साथ ही संक्रमण से बचने के लिए इन्हें भी साफ रखना बेहद जरूरी है। चक्कर आना, चाहे आप म्यूजिक सुनते हो या ईयरफोन लगाकर बात करते हो, इसका यूज भी लिमिट में ही करें। इसकी तेज आवाज से ईयर कैनल में दबाव पड़ता है, जिससे आपको चक्कर महसूस हो सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ईयरफोन से कैसे बचें। ईयरफोन से अपने कानों को कैसे बचाएं? बहुत लंबे समय तक हेडफोन और ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। दोनों के इस्तेमाल के दौरान साउंड नॉर्मल रखें। खासतौर से हेडफोन किसी के साथ शेयर ना करें। ईयरफोन को बहुत ज्यादा कानों के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। समय समय पर इनसे ब्रेक लेते रहें। ऑनलाइन क्लासेस या सेशन की इंटेंसिटी थोड़ी कम करें। ज्यादा इंटेंसिटी सुनने की क्षमता पर असर डाल सकती है। ईयरफोन हो या हेडफोन, हमेशा कंपनी के ही यूज करें। लोकल डिवाइस को अवॉइड करना बेहतर है। ईयरबड्स वाले हेडफोन का इस्तेमाल आपके कानों को सुरक्षित रख सकता है। एक नियम के अनुसार MP3 उपकरणों का उपयोग 60% तेज आवाज के साथ करना चाहिए। वॉल्यूम जितना ज्यादा रहेगा, इस्तेमाल करने का समय उतना कम हो जाएगा। अगर आप बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया कि कानों के लिए ईयरफोन और हेडफोन कितने हानिकारक हो सकते हैं, इसके बारे में भी बताया और साथ ही इससे किस तरीके से बच सकते हैं, इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर स्वप्निल ब्रजपुरिया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर आपका। धन्यवाद, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को।
जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं डॉक्टर स्वप्निल अथरिया, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है, अगर हम कानों की बात करें तो सर्जरी की अगर बात की जाए तो कौन सी उम्र सबसे सही होती है सर्जरी के लिए? जनरली तो कानों की सर्जरी की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि हम कान की सर्जरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है कि कान का पर्दा फटा होगा, इसलिए कान की सर्जरी की जरूरत होगी। तो नॉर्मली हम 12 साल की उम्र के बाद कान के पर्दे की सर्जरी कर देते हैं। जी सही है कि उस उम्र के पहले सर्दी जुकाम ज्यादा होता है। नॉर्मली जो सर्दी जुकाम है वो कम होता जाता है बच्चों में यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो, और उसकी वजह से कान के अंदर इन्फेक्शन होता है, पर्दे पीछे पस बनती है, प्रेशर की वजह से कान का पर्दा रप्चर कर जाता है, पस बाहर आ जाती है। पहले एपिसोड में तो पर्दा हील हो जाता है, पस खत्म हो जाती है 5-7 दिन में, लेकिन जी यदि सिनेरियो बार बार चलता रहे, बार बार कान नाक का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन कान तक जाता है और पस आती है, तो पर्दे का छेद धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो यह एक कॉमन कंडीशन है। एक दूसरी भी बड़ी कॉमन कंडीशन है कि बच्चे जो मुंह से सांस लेते रहते हैं, जी जिनकी नाक बंद रहती है, उनके कान के पर्दे के पीछे बलगम रहती है। हम सिंपली बोल देते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली कान के पर्दे के पीछे बलगम होने की वजह से वो कम सुनते हैं। तो ऐसे में हम कान के पर्दे में छोटा सा छेद करके उसके बलगम को सेक कर देते हैं, एक ग्रोमेट फिट कर देते हैं और साथ में जो नेजल ब्लॉकेज है वो ठीक कर देते हैं, जी चाहे वो दवाइयों से हो चाहे या फिर हमें सर्जरी करनी पड़े। तो जहां तक हम सर्जरी की बात करते हैं ये दो कंडीशन है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम कानों के लिए सर्जरी से पहले हमें क्या-क्या इस दौरान एहतियात बरतनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चों में सर्दी जुकाम है, जैसे ही बच्चा माँ की गोद से बाहर निकल कुछ करे, लगभग 2 से 3 साल की उम्र में जब ये बाहर निकलते हैं, प्ले स्कूल जाते हैं, तो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, जी इसलिए बच्चों को सर्दी गले के इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, फीवर भी ज्यादा होते हैं। लेकिन ये 3 से 5 साल होते होते 5 साल के बाद धीरे धीरे कम होते जाते हैं। कुछ एक परसेंटेज है बच्चों को जो ज्यादा खराब होते हैं, तो उनको रेगुलर सुपरविजन की जरूरत है। डॉक्टर एक बार देख के दवाइयाँ देता है, लेकिन हाँ आपको 5 दिन बाद, 7 दिन बाद या 10 दिन, जितने दिन की दवाइयाँ दी हैं उसके बाद जरूर दिखाना चाहिए कि भाई नाक का इन्फेक्शन खत्म हो गया है नहीं, कान का इन्फेक्शन खत्म हो गया है नहीं। यदि इन्फेक्शन खत्म हो गया है तभी हम दवाइयाँ बंद करें, अदरवाइज डॉक्टर के सुपरविजन में रहे। ये कॉमन मिस्टेक है कि हम एक बार फिर दवाई ले जाते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि बच्चा ठीक है और हम मान लेते हैं कि बच्चा अंदर से ठीक हो गया, जबकि बीमारी थोड़ा सा रह जाती है और वही रिकर कर करके ये लंबी लॉन्ग टर्म में परेशानी हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर कानों में सर्जरी होने के बाद किस तरीके से हमें सोना चाहिए, किस तरीके से एहतियात बरतने चाहिए ताकि जो आगे जाकर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो? सर्जरी के बाद ऐसे कोई प्रिकॉशंस है नहीं। जनरली हम 3 महीने के लिए बोलते हैं कि कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। इन जनरल तो किसी के भी कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। जनरली हम घूमने फिरने जाए यदि सी में और स्विमिंग पूल में पानी जाता है तो कई बार फंगल इन्फेक्शन का चांस रहता है। जी और दूसरा सोने का कोई परहेज नहीं है, आप किसी भी तरफ से सो सकते हैं, ऑपरेटेड साइड से भी सो सकते हैं, लेकिन हाँ यदि जिस कान का ऑपरेशन हुआ उस तरफ से सोएंगे तो दर्द होगा। तो सीधे सोना ही बेस्ट है किसी भी आदमी के लिए, क्योंकि इंसान सीधा ही सोता है और एनिमल्स हैं जो बेड के बल सोते हैं। आप राइट लेफ्ट लेना चाहें तो हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना भी नॉर्मल रहता है। और जो हम शुरू के 4 दिन के लिए बोलते हैं सकिंग के लिए मना करते हैं कि स्ट्रॉ वगैरह यूज नहीं करना, जूस वगैरह सीधे ग्लास से पीछे पी लें, अदरवाइज कोई ऐसे एहतियात है नहीं कान की सर्जरी के बाद आज के डेट में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब अगर बात करें हम, देखिए जिस तरीके से कानों की परेशानी को लेकर हमने सर्जरी की भी बात की है, किस तरह से एहतियात बरतें ये भी हमने जाना है, लेकिन आज के समय में अगर हम देखते हैं तो चाहे बच्चे हों, युवा हो या फिर बुजुर्ग हों, सभी लोग हेडफोन और ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, कितना हानिकारक हमारे कानों के लिए हो सकता है? नॉर्मली हम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक लिमिट सेट कर रखी है कि नॉर्मली इन अ वीक फॉर एडल्ट इट्स 40 आवर्स और फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स इट इज 35 आवर्स इन अ वीक, दैट इज द सेफ लिमिट फॉर हियरिंग। बिल्कुल
डॉक्टर साहब देखिए, अभी अगर पिछले कुछ एक साल की बात करें तो कोविड के समय पर लोगों ने सबसे ज्यादा घर से वर्क किया है, और बात अगर बच्चों की करें तो बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस चली थी, तो इस दौरान ईयरफोन हेडफोन का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया गया है। इन दोनों का कितना इफेक्ट पड़ा होगा कानों पर? कोविड और कोविड के पहले से ही है, जनरली जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, जो कान में जी मोबाइल लगा के नॉर्मली बात करते रहते, तो ये बड़ा कॉमन है हियरिंग लॉस होना। इसमें कान की नस डैमेज होने के रेगुलरली ही मामले हमारे सामने आते रहते हैं। यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक एस्टिमेट की बात करें तो नियरली द एज ऑफ 12 to 35 ईयर्स नियरली 1 बिलियन पॉपुलेशन इज एट द रिस्क ऑफ हियरिंग लॉस। हम जो हियरिंग डिवाइस यूज करते हैं, वेदर ये हमारे ईयर प्लग हो या हेडफोन हो, थोड़ा सा तो ये बेटर हो जाता है कि हम मोबाइल को दूर रख पाते हैं, रेडिएशन को थोड़ा सा दूर कर पाते हैं, लेकिन हम जो लाउडनेस है, जो हम एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, उससे फिर हमारा ड्यूरेशन कम हो जाता है, हम कम समय के लिए सुन पाएंगे उसको। हमारे जो भी डिवाइस है, जो भी रेडिएशन डिवाइस है या सिस्टम है, इनमें हमें कभी 60% से ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे बताया कि आप 6 से 7 घंटे तक यूज करें, और बेहतर है यदि ऑटिटिक डेवलप हो बताइए सिम्टम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जिस तरीके से बात अगर कानों की हम करें, लेकिन कितना असर, जिस तरह से आवाज तेज होती है, एयरफोन लगाकर हम बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में गाने सुने या फिर हम कुछ भी वर्क करते हैं, किसी की आवाज सुनते हैं, कोई वीडियोस देखते हैं, तो कितना असर हमारे माइंड पर पड़ता है? तो एक बार फिर से डॉक्टर साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ईयरफोन की अगर हम बात करें तो बेहद ही खतरनाक होता है हमारे कानों के लिए। अगर हम उसे लिमिट में नहीं इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने सुनने की क्षमता को भी खो बैठते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो देखिए, हेडफोन जो हैं, अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक बार फिर से डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात कर रहे थे कानों की, अगर हम जो ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या हम कोई भी साउंड सुनते हैं, उस दौरान अगर तेज आवाज है तो हमारे दिमाग पर उसका कितना असर पड़ता है? डेफिनेटली हमारा जो कान है इसकी नस जाते तो होती है, यदि हमारे शरीर में किसी भी पार्ट में कमी होती है तो दिमाग पर असर पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि यदि हमें कान से कम सुनाई देने लगा है तो कान में दर्द होना, कान में सीटी की बजाई देना, चक्कर आना, कान में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स तो होते हैं। यही यदि लंबे समय तक चलते रहें तो फिर हमें दिमाग में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारा मेमोरी लॉस होने लगता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर कम होने लगती है, हमें हेडेक होने लगता है और हमारे व्यवहार में छिड़छिड़ापन आने लगता है। तो ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, कितने लंबे समय तक ये हमें हियरिंग लॉस हो रहा है, उस हिसाब से ये सारे सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। तो हमारे दिमाग पर, हमारे काम करने की क्षमता पर इस पे बहुत ही गहरा प्रभाव है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जिस तरीके से दिमाग पर इसका असर पड़ता है, क्या कुछ और ऐसे भी जगह है, जिस तरीके से हम म्यूजिक की अगर हम बात करें, चाहे वो हमारी आंख है, इन सब पर भी क्या इन सब चीजों का असर पड़ सकता है? आँख पे तो म्यूजिक का असर नहीं पड़ेगा, हमारे काम करने की क्षमता जो मैंने बताई है कि भी कम सुनाई देगा और ब्रेन अच्छे से एक्टिव नहीं होगा, हमारा कंसंट्रेशन और नहीं होगी, तो ये प्रोडक्टिविटी और हमारी बॉडी की एक्टिविटी है ये सारी कम हो जाएगी, आंखों पे दिखाई देने का अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, बोलने पर जरूर है कि जो व्यक्ति कम सुनता है, जिसको सुनाई कम देता है, उसकी आवाज तेज हो जाती है, उसको यही लगता है कि सामने वाला भी शायद कम सुन रहा है, इसलिए वो जोर से बोलना स्टार्ट कर देता है, तो बोलने पर असर पड़ता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की शिकायतें होती हैं जिस तरीके से वो हेडफोन यूज करने के बाद उन्हें अक्सर कुछ आवाजें ऐसी सुनाई देती हैं, जैसे वाइब्रेट होना, इस तरीके की आवाज उनको सुनाई देती है, आखिरकार वो किस तरीके से इन सब चीजों से बच सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि जो बोल रहे हैं कि दूसरी आवाजें सुनाई देने लगती है, हमारे लिए वर्ड है टिनिटस,
कान में एक सीटी से बजना या दूसरे तरीके की कोई झरने जैसी आवाज आना या झिंगुर जैसी आवाज आना या किसी और तरीके की आवाज आना, ये बेसिकली हमारे जो नर्व्स हैं, जो हमारे कॉकलियर नर्व हैं, इनके जो नर्व फाइबर्स हैं वो जैसे ऐसे टेढ़े जुड़ते जाते हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन कॉकलिया है वहाँ के हेयर रिसेप्टर्स अफेक्ट होते जाते हैं, ड्राई होते जाते हैं, तो ये कानों में आवाज आने लगती है। और ये बहुत ही डेबिलिटेटिंग कंडीशन है। पेशेंट कई बार ये तो एक्सेप्ट कर लेता है कि कम सुनाई दे रहा है, लेकिन जो एडवेंटिशियस नॉइजेज है उनसे उनका काफी ट्रबल होती है। जी ये बड़ा कॉमन रीजन है जिसकी वजह से पेशेंट की साइकी डिफरेंट हो जाती है और हेडेक भी बहुत कॉमन हो जाता है ऐसी कंडीशन में। डॉक्टर साहब, आज के लाइफ स्टाइल की बचने के अगर लिए हम तो हमें जी लाउड नॉइज से ही बचना पड़ेगा, और कोई शॉर्ट टर्म है नहीं इसके लिए, हमें जी लाउड नॉइज से बचना ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि हमारी जो पर्सनल डिवाइसेस हैं या पर्सनल सिस्टम है उनसे बचा जाए, हाँ, लेकिन जो शोज हैं, हमारे जो एम्पी थिएटर्स हैं, जो आपकी पार्टीज हैं, जो डीजे हैं, शादी बारात है, वहां पर भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम डीजे के सामने जाते हैं, भले ही 2 मिनट के लिए गए हैं, लेकिन ये ज्यादा इफेक्ट कर देते हैं ज्यादा देन हमारे जो ईयरबड्स और ईयरपॉड्स करते हैं, जी वो शॉर्ट ड्यूरेशन का भी काफी हार्मफुल हो जाता है हमारी हेल्थ के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए, अभी जिस तरीके से आपने पार्टीज की बात की, आज के लाइफ स्टाइल में लोग क्लब जाना पसंद करते हैं, वहां पर इतना साउंड होता है। अगर बात मैं हार्ट की करूं तो कितना असर इन सब चीजों का हमारे दिल पर पड़ता है? जैसे ही हमारे पास लाउड नॉइज आता है, हार्ट रेट तो बढ़ ही जाता है, हमारे दिल की कार्डियक आउटपुट तो बढ़ती बढ़ता है, हार्ट पे इफेक्ट पड़ता ही है डायरेक्टली है। अभी हमारा मेंटल स्टेटस ज्यादा अलर्ट है तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो जी हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है इसका। जी डॉक्टर साहब, बात अगर हम बच्चों की करें, आज के समय में जो बच्चे हैं वो ईयरफोन या हेडफोन लगाकर ही मोबाइल, या मोबाइल में चाहे गाने सुनने हो या उन्हें गेम भी अगर देखना हो तो वो कानों में हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। कितना हानिकारक बच्चों के लिए हो सकता है, और जो माँ बाप हैं वो किस तरीके से बच्चों को इन सब चीजों से बचा सकते हैं? बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों के जब वो 1 या 2 साल के हैं तभी से स्टार्ट करना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। जब तक आप 17-18 ईयर्स के नहीं होते तब तक आपका बॉडी डेवलपमेंट पूरा होता नहीं है, जो हमारी आई वॉल्स है परफेक्टली डेवलप होती नहीं है, इसलिए कई बार एज के साथ नंबर भी आता है। तो यदि हम साउंड को छोड़े, मोबाइल देखने ही के बोला, तो बच्चों की आंखों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बच्चों को नॉर्मली आधा घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और दूसरा जो बच्चों में सुनाई देने की है वो मैंने लिमिट जी डॉक्टर साहब देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि कानों में ना कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ईयरफोन डरते लगा हैं के आप कानों की अपने सफाई कराने से, और कहीं ना कहीं उनको फंगल इन्फेक्शन वगैरह जैसी बहुत सारी समस्याएं कानों में हो जाती हैं, तो इन सब चीजों से कैसे बचें? नॉर्मली तो हमें किसी को कान साफ करने की जरूरत होती नहीं है, कान के अंदर जो भी वैक्स बनता है वो अपने आप सारी जिंदगी बाहर आता रहता है। जी पुराणों में या मेडिकल लिटरेचर में कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है कोई भी कि हम इस तरीके से कान की सफाई करें। पहली बार तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से ईयरफोन या हेडफोन, या साथ ही आपको कहें कि कानों में होने वाला इन्फेक्शन कितना हानिकारक हो सकता है, ये तमाम तरह की कितना खतरनाक आपके कानों में ये सब साबित हो सकता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, बहुत लंबे समय तक हेडफोन ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें ताकि आप अपने कानों को सही रख सकें। दोनों के इस्तेमाल के दौरान साउंड नॉर्मल रखें, खासतौर से हेडफोन किसी के साथ भी शेयर ना करें क्योंकि उससे फंगल इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा रहता है। ईयरफोन को बहुत ज्यादा कानों के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। समय समय पर इनसे ब्रेक लेते रहें, लगातार अपने कानों में हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल ना करते रहें। ऑनलाइन क्लासेस या सेशन की इंटेंसिटी थोड़ी कम करें। ज्यादा इंटेंसिटी सुनने की क्षमता पर सीधा असर डालती है। ईयरफोन हो या हेडफोन, हमेशा से ही कंपनी के ही जो ब्रांड के होते हैं उन्हें ही इस्तेमाल करें और लोकल को अवॉइड करने की कोशिश करें।
तो एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि कानों में इन्फेक्शन की, कितना समय अगर हम बात करें जो सर्जरी तक पहुंच पाता है, आखिरकार उस दौरान कौन कौन सी परेशानी होती है कानों में कि नौबत जो है वो सर्जरी तक आ जाती है? जैसे कि आप अभी फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे थे, नॉर्मल तो ये कान में पानी जाने की वजह से होता है, चाहे ये जी स्विमिंग पूल में हो या फिर हम घूमने फिरने कहीं गए हों, उस तरीके से हो जाती है। बरसात के दिनों में इस तरीके के इन्फेक्शन काफी हो जाते हैं। कई लोगों के कानों में फंगस होती है और ऐसे ही पड़ी रहती है, कुछ भी मालूम नहीं चलता, लेकिन किसी को भारीपन, इचिंग और पेन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कान में इन्फेक्शन है, भारीपन है, इचिंग है, तो आप बर्ड्स कभी न डालें। हम एक बार कान की स्किन को जो रब कर देते हैं, उससे इन्फेक्शन डीप परकुलेट कर जाता है, स्वेलिंग आ जी जाती है और एक सीवियर पेन होने लगता है। तो नॉर्मली ऐसे कंडीशंस में दिखा रहे हैं, सिंपली एंटी फंगल ड्रॉप्स आते हैं, उनको डालने अकेले से ही कान ठीक हो जाते हैं। हाँ, बड्स यूज करने से कई बार एक्सीडेंटली कान के पर्दे में भी, ईयर ड्रम में भी रप्चर हो जाता है, टियर हो जाती है। तो इसके लिए तो यही बोलेंगे कि मेडिकली आपको अटेंशन लेनी पड़ेगी, ENT स्पेशलिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। सर्जरी के लिए मैंने पहले ही बताया कि जो दो कॉमन कंडीशंस हैं, बच्चों के सर्दी जुकाम और गला खराब होने की वजह से जो कानों तक इन्फेक्शन जाता है वो सर्जरी तक ले जा सकता है। तो उसके लिए यह है कि जब आपका डॉक्टर बोले, ENT स्पेशलिस्ट बोले कि कान अभी ठीक है ना, गला ठीक है, तभी ट्रीटमेंट को बंद करें। और सिंपल एज अ रूल, यदि आपको कोई भी बीमारी होती है तो 2 दिन तक आप खुद अपने घरेलू इलाज कर सकते हैं, यदि नहीं है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। और यदि 2 हफ्ते में ठीक नहीं होते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर शुगर स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए, ENT के केस में, नाक कान गले के केस में, नाक कान का रोग विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ चाहे बच्चे हों या युवा हों या फिर यूं कहें कि बुजुर्ग भी हों, तो उनके ना कानों से एक लिक्विड आता है और उस दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो किस वजह से होता है? ये दोनों हैं, यदि बाहर से कान में कोई, बाहर से कान साफ करने की जिसने आदत बना ली है, बार बार उंगली डाल रहे हैं, बर्ड्स डाल रहे हैं, हेयर पिन डाल रहे हैं, तो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से पानी और पस आ सकती है। दूसरा है कान के पर्दे में छेद होना, ये वही है कि जिसके बचपन में या एडल्टहुड में नाक का इन्फेक्शन था, कान तक चला गया और पर्दे में छेद हो गया। अब जी एक कान के जो पर्दे में होल बना हुआ है, जो बॉडी में वीक स्पॉट बना हुआ है, वो कॉमनली इन्फेक्ट होता रहता है, कानों से पस आती रहती है। हम सिंपली एंटीबायोटिक्स और ईयर ड्रॉप देते हैं तो उससे कान की पस तो सूख जाती है, लेकिन हम अपने आप को समझ लेते हैं कि पूरी तरह ठीक हो गया, अगेन इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। यदि हमारे कानों से इन्फेक्शन खत्म हो गई है, पस खत्म हो गई, तो उसके बाद हमें सर्जरी करा लेनी चाहिए, कान के पर्दे का छेद को रिपेयर करा लेना चाहिए, जिससे दोबारा से इस तरीके के इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर स्वप्निल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम तरह की जानकारी हम तक पहुंचाई और अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज आपने जाना कि किस तरीके से कानों में होने वाले इन्फेक्शन से बचा जा सकता है और कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेडफोन या ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसे लिमिट में इस्तेमाल करें, किसी का यूज किया हुआ हेडफोन या ईयरफोन यूज ना करें, क्योंकि दूसरे के कान का इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके कान के इन्फेक्शन में हो सकता है कानों में, जिससे आपको समस्या हो सकती है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, अगले कार्यक्रम में मैं फिर से एक नई बीमारी और एक नए समाधान के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।